मुंबई के घाटकोपर में पक्षियों के झुंड से एयरप्लेन के टकराने से कम 29 राजहंस की मौत हो गई। बिहार के सारण में चुनाव बाद हिंसा में एक की गोली मारकर हत्या, दो घायल। पुलिस के मुताबिक हिंसा के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और इंटरनेट सेवाएं भी दो दिनों के लिए निलंबित कर दी गई है। मणिपुर सरकार ने कुकी उग्रवादी समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में कहा गया है कि अपराधों में आपराधिक साजिश, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के लिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। पुलिस ने पुणे में एक कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को हिरासत में लिया है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और किशोर को शराब परोसने के लिए दो होटलों के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पिकअप वैन पलटी, 18 लोगों की मौत, 4 घायल। मैसूर में एक कांग्रेस नेता की उसके पति ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि उनके पति नंदीश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे अपराध में उनकी संलिप्तता का संदेह हो रहा है। दंपति की 2 बेटियां हैं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी की। एनआईए ने 3 मार्च को मामला अपने हाथ में लिया था और 12 अप्रैल को इस मामले में मास्टरमाइंड रदबुल मतीन अहमद ताहा समेत 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। विदाई भाषण में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज चित रंजन दास ने कहा, आरएसएस में वापस जाने के लिए तैयार हूं। न्यायमूर्ति दास ने कहा कि यदि वे उन्हें किसी सहायता या किसी आवश्यक काम के लिए बुलाते हैं जिसे वह करने में सक्षम है, तो वह संगठन में वापस जाने के लिए तैयार है। राजीव गांधी की बरसी, राहुल ने पिता को किया याद, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन किसी भी तरह की वोट बैंक की राजनीति की कोशिश कर सकता है, लेकिन लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि लोगों ने तय कर लिया है कि वे केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया में काफी बदलाव आया है और गठबंधन के पक्ष में एक बड़ी लहर है जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने से रोकने में सक्षम होगी। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत को सोमवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के काजा में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। दलाई लामा के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर कंगना को कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।